हमारे जो वाटर पार्क है, हमारे मिथिला का पहला वाटर पार्क। जो प्राइस है वो काफी कम रखा गया। अब इतना कम रखा गया कि एक लेबर जो है रोज मजदूरी जो कमा रहा है वो भी आकर इसमें आता है ना, फुल एंजॉयमेंट कर करके जा सकता है विद फैमिली के साथ। तो हेलो यूट्यूब कैसे उसको बैक टू द ब्लॉग है। तो यदि आप मिथिला से देख रहे हैं इस वीडियो की या मिथिला से बिलोंग करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको इस बार दिखाने जा रहा हूँ, आज दिखाने जा रहा हूँ, सच में यार मिथिला के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है ये कि मिथिला में ये ओपन होने जा रहा है। तो फाइनली अभी जो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है वो हाईवे से शूट कर रहा हूँ। ये जो सगरी टू दरभंगा वाले हाईवे है, जस्ट मैं अभी यहीं पर हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप वाओ रेस्टोरेंट, ये देख लीजिए आपको बोर्ड यहाँ पर, ये जो जगह पर है इसका भी लोकेशन बता रहे हैं। ये बिजली कुछ मोर करके नाम है यह जगह का, और इस जगह पर पड़ रहा है ये। कितना दूरी पर रहा है ये इस जगह का, वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मिथिला में पहली बार, फर्स्ट ये वाटर पार्क जो खुलने वाली है वो वाटर पार्क को आपको एक्सप्लोर करने के लिए, दिखाने के लिए। इससे पहले मैं दो वाटर पार्क का दिखा चुका हूँ आपको। अरे एक सेटिंग कर दी है, बार बार ये दिक्कत हो रहा है मुझे। चलिए तो इसको मैं कवर करने के लिए आया हूँ फाइनली। तो चलिए आपको पूरा वाटर पार्क को मुआयना करते हैं, देखते हैं कि कब तक ये ओपनिंग होने वाला है ये। तो फाइनली आपको जस्ट ये जो आपको हाईवे दिख रहा है दरभंगा टू सकरी वाली हाईवे, इसके जस्ट बगल में ही देखने को मिल जाएगा, ये है वाओ वाटर पार्क, इसका नाम है वाओ वाटर पार्क। और ये जो वाटर पार्क है वो वाओ रेस्टोरेंट के द्वारा ही बनाया गया है, इसका एक रेस्टोरेंट भी है तो उसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। इसका जो स्टार्टिंग था, काम का स्टार्टिंग था, वो बहुत ही पहले हो चुका था, बट ये किसी कारण बस अभी तक ये चालू नहीं हो पाया था। तो चलिए अब फाइनल बन के एक महीना के अंदर लगभग में बन के आपको तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और कितना प्राइस रहने वाला है, इसका टिकट प्राइस क्या रहने वाला है, सारा कुछ का आपको इस वीडियो में जानकारी होने वाली है। तो फाइनली चलिए आपको दिखाते हैं, ये रहा वाओ रेस्टोरेंट, देख सकते हैं आपको, और इसी के अंदर आपको, इसी कंपाउंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो देख रहे हैं ये है इसका एंट्री गेट, मेन गेट जिसे कहते हैं, आपको ये रहने वाला है आपको वाटर पार्क का। तो फाइनल इसके चलते हैं अंदर आपको, और अंदर में दिखाते हैं आपको कि कितना काम हुआ है, कब तक चालू होगा, सारे कुछ का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देख सकते हैं इसका इंटीरियर कुछ यहाँ का ऐसे लग रहा है, और शायद ये रहने वाली है टिकट घर आपको। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं एक्चुअल में कि अंदर लग कैसे रहा है। क्या भैया सब, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया ना। कब तक चालू होगी कुछ आइडिया? अप्रैल में, फर्स्ट सेकंड वीक में। चलिए आपको ये भी जानकारी होगी अप्रैल तक चालू हो जाएगा, कोई मतलब अभी कंफर्म तो नहीं है ना कि इतना को होगा, लेकिन जानकारी जैसे मिलेगा आपको तो आपको भी जानकारी हम दे देंगे मैसेज के माध्यम से। तो इन भैया से मिलिए, ये रहे मैनेजर से आप। तो भैया स्वागत है मेरे वीडियो में आपका। तो मतलब कैसा क्या काम वगैरह चल रहा है ये बताइए आप। काम हमारा डे नाइट फुल नाइट चल रहा है। अच्छा, दिन रात आपको काम यहाँ पे चल रहा है। अभी क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमारे आप सामने में देख रहे हैं, हमारा हो गया वेव, ये वेव पूल है, ये देख सकते हैं, और ये प्ले स्टेशन है जहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आप घूम घूम के दिखाते हैं आपको। हाँ ये बच्चों के लिए जो होता है, बच्चों के लिए है ना छोटा वाला, हाँ प्ले स्टेशन कहते हैं, बच्चों के लिए होता है ये। हमारे जो वाटर पार्क है, हमारे मिथिला का पहला वाटर पार्क है ये, वाटर पार्क है। और यहाँ पे जो ये इसका जो वाटर पार्क का जो प्राइस है वो काफी कम रखा गया। अब इतना कम रखा गया कि एक लेबर जो है रोज मजदूरी जो कमा रहा है वो भी अगर इसमें आता है ना, फुल एंजॉयमेंट कर करके जा सकता है विद फैमिली के साथ। एफोर्डेबल जो प्राइस होता है एक तरह से, वो समझ लीजिए हाँ, कि आप एफर्ड कर सकते हैं इस प्राइस को, वो वाला सोच के ही रखा गया है इस प्राइस को। दे सकते हैं ये बिजली NH 57 में, आप ये दरभंगा, आपको समस्तीपुर, यहाँ से मधुबनी, नेपाल, ये सारा एरिया कवरेज कर रहा है, पूरा कवर हो जाएगा, पूरा एक तरह से। आप जो ये वाटर पार्क बना रहे हैं ये मिडिल में बन रहा है ना, प्लस दरभंगा और सकरी मधुबनी के बीच में लगभग पूरा हमने बीच में। तो चलिए आपको घूम घूम के दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये वाटर पार्क कितना बड़ा है, कैसा क्या वर्क वगैरह चल रहा है, इसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए आपको पहले तो हम स्टार्ट करते हैं वेव पूल से। वेव पूल में भाई सबसे ज़्यादा वाटर पार्क में मज़ा आता है तो वेव पूल में ही आता है। जब आप आइएगा यहाँ पे तो अप्रैल में, जैसे भैया बताएं कि अप्रैल में ये चालू होगी, तो उस टाइम में वेव पूल में
स्नान करने का जो मज़ा आता है, इंजॉयमेंट करने का, वो अलग लेवल के आपको देखने को मिलेगा। ये रही वेव पूल का काम, देख लीजिए ये जो दिख रहा है ना आपको, छोटा 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 छेद जो दिख रहा है आपको, एक्चुअली कैमरा में दिख रहा है छोटा छोटा, ये बड़ा है। तो इसके अंदर से ही वेव निकलता है, जो समुद्र से वेव जो आती रहती है वो वाला वेव इसके अंदर ही पूरा आएगा, और इसमें ख़तरनाक वाला मज़ा आता है। सच बताऊँ तो मैं राजवाटर पार्क में गया था और भाई नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है इसमें। और इधर देख सकते हैं आप सारे जो स्लाइडर वगैरह होते हैं वो इस साइड रखे गए हैं पूरा। और जो आपको टावर भैया बोले हैं कि टावर का बेस बन गया है, तो चलिए आपको टावर का दिखाते हैं कि टावर का बेस का कितना हद तक बना है, कहाँ तक काम चली है वो दिखा देते हैं आपको। रुकिए मैं सच बताऊँ ना आपको, तो ये देखिए ये दीवार से जस्ट आपको यहाँ से लेके उस साइड वहाँ तक, मतलब देखिए देखा जाए आपको तो छोटा भी नहीं बन रहा है, बड़ा भी नहीं बन रहा है, मतलब ठीक ठाक है। ये इतना बड़ा दिख रहा है, कोई एरिया छोटा भी नहीं कहा जा सकता, अच्छा खासा एरिया है, सारे चीज़ आप कवर कर सकते हैं। और बोले भैया कि प्राइस की बात करें तो प्राइस अफोर्डेबल प्राइस, जो भी प्राइस रहेगा आपको, मतलब आपको ऐसा भी नहीं लगेगा बहुत प्राइस रखा गया है इस चीज़ को, तो एक हाँ ठीक ठाक इसका टिकट प्राइस रहने वाला है आपको। तो ये रहने वाला है आपको, देख सकते हैं इसका ये जो टावर लगेगा, इसका स्लाइडर वगैरह का सारा कुछ के इसी पर ऊपर खड़ा होगा ये बिल्डिंग, और इसी के अंदर सारा स्लाइडिंग का काम जो होगा, सारा स्लाइडर इधर रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ना अभी हमको लगता है आई थिंक आई नहीं है अभी तो। देखिए ये स्लाइडर भी अभी बहुत ही कम आई है, इतना स्लाइडर तो नहीं होता, इससे भी ज़्यादा होता, ये तो छोटा सा लग रहा है ना। अभी अभी और आएगा सामान, जैसे जैसे वर्क चलेगा वैसे वैसे आता रहेगा सामान। और ये बन रहा है आपको रेन डांस, आपको डांस फ्लोर एक तरह से कह सकते हैं आपको, जो पानी का झरना गिरता रहता है ऊपर से, और डांस का जो इन्जॉयमेंट आता है, डांस जो लोग करते रहते हैं वो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। यहाँ पे रेन डांस बनने वाला है, यहाँ पे पूरा जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे गोला गोला सा, पूरा इसी के ऊपर रेन डांस होने वाला है। ऐसा बात नहीं है कि बहुत जल्दी होने वाले, इस सब इतना बड़ा एरिया जो है, इस एरिया को कवर करने में तो टाइम तो लगेगा ना। तो चलिए थोड़ा बहुत आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं, सिनेमैटिक दिखाने का थोड़ा मज़ा अलग रहता है, तो थोड़ा सिनेमैटिक देख लीजिए, इसके बाद बताते हैं कुछ कुछ और भी बातें आपको। बन रहा है किड सेशन एक तरह से कह सकते हैं आप, बच्चों को जो होता है आपको, छोटे बच्चे जो इसी पर स्लाइड वगैरह करते हैं, जितने भी स्लाइडर होगा बच्चे के लिए खासकर वो इस पर लगाया जाएगा। आपको देख सकते हैं इसका एरिया कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, आज तक मैं क्या समझ रहा था इसको, ये जो लग रहा है ये जो देख रहे हैं ना आप, ये टाइल्स होता है भाई, ये टाइल्स नहीं होता है, छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा होता है आपको, आज मैं फाइनली देखा हूँ। नहीं तो हर वाटर पार्क में खासकर यही कलर का आप देखते होंगे, क्योंकि इसका ना कलर थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है और अच्छा भी लगता है देखने में। और दिखाऊँ आपको, देखिए आज तक मैं समझ रहा था कि ये टाइल्स होता है भाई, ये पता नहीं कुछ और होता है, देखिए इतना छोटा छोटा है इसका ये, और इसी को पूरा चिपकाया जाता है। एक चीज़ ये हमको देखने को मिला, ये सब देख रहे हैं आप इसका डिजाइनिंग, यहाँ पे कुछ और का डिज़ाइन, मछली का डिज़ाइन, वहाँ पे भी वो एक दूसरा डॉल्फिन वगैरह का है, वहाँ पे भी मछली का है, ये कुछ चित्रकला जिससे कहते हैं आप अंदर में, वो लगाया गया है। जब पानी भी आएगी इसके अंदर तो भी अलग एक वाइब आएगी, अलग लेवल का वाइब देखने को मिला। बाकी भैया सब यहाँ पे मस्त काम कर रहा है, जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए, मस्त दिन रात काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा ये ओपनिंग कर रहे हैं भैया अप्रैल में, तो बहुत ही जल्द ये ओपनिंग होने वाला है ये। और बहुत ही गर्वांतित, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि अपने मिथिला में ये फर्स्ट वाटर पार्क होगा जो अपने मिथिला में ये ओपन होने को जा रहा है। गाइज ये है वाओ रेस्टोरेंट, देख सकते हैं आप, और इन्हीं के द्वारा ये जो वाटर पार्क है आपको वो बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको इस रेस्टोरेंट के अंदर चल के दिखाते हैं आपको। रेस्टोरेंट तो अंदर से देखने में काफी शानदार, काफी जबरदस्त लगता है देखने में, सच बताऊं तो आपको। देख लीजिए इसका क्लीननेस और कितना अच्छा वाइब आ रही है आपको इस रेस्टोरेंट का, देख सकते हैं मेंटेन काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार रखा गया है। और एक खास बात बताना, जब यदि आप कपल के साथ आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं, जब आप केबिन यूज करना चाहते हैं, इसका भी फैसिलिटी यहाँ पे रखा गया है। ये रहा इनका केबिन, देख सकते हैं आप, यदि आप कपल्स के साथ आते हैं तो फिर यहाँ पे
मस्त केबिन यूज कर सकते हैं। शाम के समय में ये पूरी जो लाइट है, डेकोरेशन जो है वो चालू कर दी जाती है। देख सकते हैं आप, ये रहा केबिन जो आपको दो दो सोफ़ा मिलने वाला है, बड़ा बड़ा सोफ़ा देख सकते हैं आप यहाँ पे लगाया गया है, और मस्त यहाँ पे बैठ के आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे तीन आपको केबिन देखने को मिल जाएगा, ये तीन यहाँ पे केबिन लगाया गया है। बाकी रेस्टोरेंट का फुल जो टूर है वो आपको दे ही चुके हैं हम, देख सकते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से, और कुछ कुछ बातें हैं जो आपको रोड पे जाके थोड़ा सा बातें हैं जो आपको करनी है, और रोड पे जाके दिखा देते हैं। एक्चुअल में ये जो है रोड आपको पहले भी दिखा ही चुके हैं हम एक्चुअल में, कि ये सकरी टू दरभंगा वाली जो रोड है जस्ट इसके सामने में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है। वैसे हाईवे पर जैसे ही चलिएगा ना, ये जस्ट आपको हाईवे दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप चलिएगा तो आपको सामने में ही आपको वाटर पार्क देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ये बनता है, ये देख रहे हैं इसका मेन गेट है, जैसे ही ये बनेगा आपको तो पूरा वाइब आने वाली है, वही वाटर पार्क वाला, जैसे वाटर पार्क में देखने को मिलता है आपको वो वाली वाइब आने वाली है। यहाँ पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे जब आते हैं तो थोड़ा भी कन्फ्यूजन मत रखिए। आपको 7 से 8 किलोमीटर सकरी से आते हैं तो पड़ेगा, यहाँ दरभंगा से आते हैं तो 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, पर कह सकते हैं आपको सकरी या दरभंगा के बीच में ये पड़ रहा है ये। तो फिर किधर से भी आ सकते हैं आप, आराम से आपको आ जाइए। बिजली कुछ मोर करके ये नाम है इस जगह का नाम है, और यहीं पे आइएगा और इसके जस्ट बगल में ही आपको ये वाटर पार्क देखने को मिलेगा। ये है मिथिला का सबसे पहला वाटर पार्क, और यदि मिथिला से आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा महसूस कर रहा है। अब किसी भी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं भाई, अपने शहर में ये खुल रहा है पहला वाटर पार्क। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर से मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब के लिए टाटा बाय बाय।